तो हाय गाइस, कैसे हो? हाय, सब बढ़िया होगा, ठीक है। फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा आयदेवगन के मैदान के एक न्यू एपिसोड में वापस। तो आज चल रहा है 26वां दिन एंड फोर्थ ऑफ मंडे है भाई। देखें क्या नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उससे पहले भाई मेकर्स ने ऑफिशियली भाई फिगर है वो दे दिया। आई एम सो हैप्पी। मैंने आपसे कुछ यस्टे को बताया था कि शायद मेकर्स फिगर दे सकते हैं भाई। उन्होंने स्टार्टिंग से ही जब भी वीकेंड समाप्त हुआ एंड हुआ है तो भाई उन्होंने मंडे को फिगर दिए। मे बी आज भी हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल सकता है, ऐसा हमने भाई यस्टे को आसोई को बताया था, जो कि हमें भाई ऐसा कुछ देखने को मिला। तो आई एम सरप्राइज। और जिस तरह भाई उन्होंने फिगर दी है भाई, एज अ जो अजय के फैंस भाई जो उनको चाहिए था, चलो अभी पिक्चर तो फ्लॉप हो चुकी है, डिसास्टर हो चुकी है, कहीं ना कहीं जैसे तैसे करके भाई 50 करोड़ के आसपास तो कर जाए, जो कि भाई ऐसा अचीव यहां पे मैदान ने करके दिखाया है। तो मेकर्स ने भाई क्या ऑफिशियली फिगर दी है, चलो भाई उस पर देख लेते हैं। वीक वाइज नंबर देखिए तो 28.30 फर्स्ट हाफ वीक में बिजनेस किया, सेकंड 10.99 करोड़, ऑलमोस्ट 11 करोड़ का बिजनेस किया, जो कि थर्ड हाफ में ऑलमोस्ट 8 करोड़ एंड 20 लाख। मैंने क्या बताया था, लगभग 8 करोड़ के आसपास थर्ड हाफ वीक में बिजनेस है वो किया, थोड़ा सा कम जो कि वर्किंग डेज। वैसे मेकर्स ऑफिशियली फिगर नहीं दे रहे थे, जो गाइस अभी उन्होंने दे, मतलब जो तुम्हारा भाई बताया था ऑलमोस्ट राइट ही रहता है। एंड थर्ड फोर्थ हाफ वीकेंड में 3.25 करोड़ का बिजनेस किया है, 3 करोड़ एंड 25 लाख। कल हम जब डिस्कशन कर रहे थे कि लगभग समथिंग अराउंड 3 करोड़ के आसपास जा रहा था थर्ड हाफ फोर्थ हाफ वीकेंड का, जो कि मेकर्स ने भाई 3 करोड़ एंड 25 लाख की फिगर दी है एंड टोटल ऑफ 50.74 करोड़। जी गाइस, 50 करोड़ से ज़्यादा भाई फाइनली यहाँ पे मैदान ने बिजनेस है वो कर दी है, 50.74 करोड़। अब तक पहले 25 दिनों में इंडिया नेट क्वेश्चन है गाइस वो हो चुका है, जो कि भाई हमें यही तो चाहिए था, यही तो भाई चाहिए था जैसे तैसे करके भाई 50 करोड़ पास तो जाए, जो कि भाई ऐसा करके यहाँ पे मैदान ने दिखाया है। देखो जब भी मैदान बड़े में छोटे में रिलीज हुई तब से लेके अभी तक कोई भी बड़ी पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, तब भी तो भाई पिक्चर ने 50 करोड़ से भाई ज़्यादा बिजनेस किया है। इवन ऐसा नहीं कि कंटेंट अच्छा नहीं था, चलो बड़ी पिक्चर नहीं आई है तो ये 50 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस कर दिया भाई। दूसरा बड़े मैया छोटे मैया, अभी देखोगे आप वीक डेज हो या फिर वर्किंग डेज हो, वीकेंड हो या फिर वर्किंग डेज हो, बड़े मैया छोटे मैया ऑलमोस्ट 50% बिजनेस कर रही है कंपेरिजन टू मैदान। मैदान को ज़्यादा देखने जा रही है। एंड यहाँ पर हम वीकेंड का देखें, वीकेंड पहले वीकेंड में 22 करोड़, दूसरे दिन 7 करोड़ 49 एंड तीसरे वीकेंड में 4 करोड़ 80 एंड चौथे वीकेंड में 3 करोड़ एंड 25 लाख का बिजनेस किया है। थर्ड वीकेंड टू कंपैरिजन फोर्थ वीकेंड इतना ज़्यादा नंबर है वो ड्रॉप नहीं हुआ है। एंड 50.74 करोड़ इंडिया नेट और इसका ग्रोथ जाएगा ऑलमोस्ट 60 करोड़, ओवरसीज 7.60 एंड वर्ल्ड वाइड में 67.60 करोड़ के आसपास अब तक बिजनेस है हो चुका है। बट मेकर्स भाई सिर्फ नेट फिगर ही शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड का भाई उन्होंने शेयर नहीं किया। वर्ल्ड वाइड का जो मैंने आपसे नंबर शेयर किया ये एक एस्टीमेट है। तो ये रहा भाई पहले 25 दिनों का लेखा जोखा यहाँ पे अजय देवगन के मूवी भाई मैदान। एंड काफ़ी अच्छा लगा देखकर कि 50 करोड़ से ज़्यादा भाई बिजनेस है मैदान ने करके दिखा दिया है। जब भाई ओपनिंग ली थी वीकेंड में, हॉलीडेज थे भाई, ईद थी, ऐसा लग रहा था यार 30 करोड़ भी आ जाए 35, यार लाइफ टाइम नेट की बात कर रहे हैं तब भी ये बड़ा अमाउंट होगा। बट जिस तरह सैटरडे संडे को जंप लिया, जिस तरह सेकेंड हाफ सैटरडे संडे को जंप लिया, फिर थर्ड हाफ वीकेंड क्यों ना हो, फिर फोर्थ हाफ वीकेंड क्यों ना हो, भाई अजय देवगन इसी चीज़ के लिए भाई ये बंदा जाना भी जाता है। एंड आज की बात करें वर्किंग डे, आज मंडे है भाई, थोड़े शोज़ को हम देख लेते हैं। मुंबई में 136 से भाई 132 हो चुके हैं, थोड़े से ड्रॉप हो गए। दिल्ली एनसीआर 257 से 232 हो चुके हैं एंड पुणे में 42 से 40 हो चुके हैं। बेंगलुरु 37 से 33 हो चुके हैं एंड कोलकाता 115 से 103 हो चुके हैं। हाँ भाई थोड़े शोज तो गिरे, हैदराबाद में 18 आज 19 है भाई, एक शो इंक्रीज हो गया और क्या चाहिए। एंड अहबाद में 132 से 30 हो चुके हैं। चेन्नई में भाई 4 ही शोज हैं। जयपुर में 41 से 35 हो चुके हैं, जो कि लखनऊ में ऑलमोस्ट 44 और आज ऑलमोस्ट 40 शोज, भाई इतने ज़्यादा कुछ शोज ड्रॉप नहीं हुए हैं। और आज कितना नंबर आ सकता है, आई थिंक सो 40 लाख पकड़ लो। देखो फ्राइडे को 50 लाख प्लस है तो 40 लाख तो एटलीस्ट आ जाना ही चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं 40 लाख के आसपास गाइस मुझे उम्मीद है। आज मंडे को 40 आ जाता है, शायद हमें ट्यूजडे को इससे थोड़ा ज़्यादा या फिर अच्छा खासा हमें होल्ड भी देखने को मिल सकता है, जो कि ऐसा स्टार्टिंग से भाई मैदान ने करके दिखाया है। अब क्या टारगेट होगा भाई, पहला फर्स्ट टारगेट तो यही था कि 50 करोड़ अचीव करना, जो कि गाइस वो कर लिए है। उससे अभी मैदान और कितना नंबर है वो ऐड कर पाती है, उम्मीद करते हैं। अभी दिस वीक की बात करें, फिफ्थ हाफ जब स्टार्ट होगा तो कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है,
तो यहाँ पे अच्छे खासे शोज रहे तो शायद मामला अगेन हमें करोड़ों में जाता हुआ दिखाई है, वो दे सकते हैं सैटरडे या फिर संडे को। सैटरडे संडे को वैसे भी भाई ये कुछ अलग ही रूप में भाई हमें देखने को मिलती है मैदान, वर्किंग डेज में कुछ अलग ही हमें रूप है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ भाई नज़ारा रहा। एंड आगे भाई नेक्स्ट पिक्चर आ रही है अब अजय देवगन की, ओरों में कहा दम था 5th जुलाई को। तो उम्मीद करते हैं कि मैदान ने निराशाजनक प्रदर्शन है जो किया है तो ओरों में कहा दम था, वो अच्छा खासा बिजनेस निकाल के जाए और कहीं ना कहीं भाई वो हिट हो जाए। स्टार्टिंग से शैतान आई थी जो कि वो सुपर हिट, नेक्स्ट मैदान जो कि एज डिसास्टर। अब नेक्स्ट ओरों में कहाँ दम था तो उम्मीद करते हैं ये हिट हो। नेक्स्ट अभी सिंगम रेटू जो भी आएगी, दोनों का हाइप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। वो बोथ मूवी गाइज आई थिंक सो बड़ी सुपर हिट। देखो रेटू तो हिट सुपर हिट है ही है, बट सिंगम का बजट ज़्यादा है एंड ऊपर से वो मल्टी स्टारर है भाई, कई सारे उसमें बड़े बड़े नाम हैं। तो जब हम थोड़ा मटेरियल देखेंगे तभी बता पाएंगे कि वो पिक्चर एक्चुअल में कहाँ जा सकती है, बट अभी तक भाई कंफर्म ही नहीं है कि वो कब तक आएगी। देखते हैं मेकर्स कब तक ये ऑफिशियली कर देंगे। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग और डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक लिए।